दोस्तों मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे मैं दिल से आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। होता है कि मुझे आप माफ ना करो, क्योंकि आज मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आप लोगों पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बहुत लोग मुसीबत में आ गए हैं, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, उस तरह का वीडियो था, गूगल रिमूव 2 NBFC प्ले स्टोर, कि गूगल ने 2 NBFC को प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया, जो कि डोजलीज और आर्केड करके 2 ऐप थी, मैंने उनके बारे में बताया था। मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हो कि प्ले स्टोर ने इनको पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। 31 मई को ऐसा रूल आया है जिसकी वजह से सारे ये जितनी फर्जी ऐप डिलीट हो जाएंगे, मैंने ऐसा बोला था, लेकिन मैं गलत था, मेरी जानकारी गलत थी। ये प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, प्ले स्टोर पर अभी भी काम कर रही हैं, आप सर्च करोगे आपको देखने को मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो वीडियो में मैंने जो जानकारी थी वो मेरी गलत थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब ऐसा था तो तूने वीडियो बनाया क्यों था। दोस्तों इसलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसे प्ले स्टोर में नहीं थी, लेकिन फिर से आ गई, अब मैं क्या करूँ। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि मैंने गलत जानकारी दी, बाकी में मैंने गलत जानकारी दिए, क्योंकि मुझे पता होता ये फिर से आ जाएंगी तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता। अब ये प्ले स्टोर पे वापस कैसे आ गई है, डोजलीज और आर्केड, मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ। वो इसलिए आ गई है क्योंकि अभी तक हम समझते थे ये फर्जी ऐप है, अगर फर्जी ऐप होती तो ये प्ले स्टोर पे लौट के नहीं आती, हम अभी तक का यही तो समझ रहे थे, और प्ले स्टोर से गायब भी होगी तो हमको पूरा यकीन भी हो गया था यार ये तो फर्जी ऐप है और ये पूरी तरह से गायब भी होगी। लेकिन ये तो RBI लाइसेंस प्राप्त है, इसका लाइसेंस मेरे पास आ चुका है, इसका लाइसेंस आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं, डोजलीज का लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, RBI ने खुद दिया है कि ये लो लाइसेंस, जब लाइसेंस उसके पास है तभी तो प्ले स्टोर में आ गई है, क्योंकि 31 मई 2023 को जो पॉलिसी गूगल की वो यही है कि जिसके पास लाइसेंस होगा वही प्ले स्टोर में टिकेगी। अब डोजलीज के पास RBI का लाइसेंस है तभी तो प्ले स्टोर में आ गई है, इसी तरह से आर्केड का भी लाइसेंस है इसलिए वो भी आ चुकी वापस, वो अभी बीच में गायब हो गई थी जब मैंने वीडियो बनाया था, ये जो आप देख रहे हो गूगल रिमूव 2 NBFC करके, तब वो नहीं थी, बकायदा मैंने प्रूफ भी दिखाया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई है, लेकिन अभी चेक करने पर ये आपको दिखाई देंगी। अब इनके मैं लाइसेंस आपको दिखाऊंगा, पूरी बात समझाऊंगा कि आखिर हुआ कैसे, इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो गई। चलिए आपको पूरी हकीकत बताऊं, उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, स्क्रीन पर लिख के आ रही होगी @vinay0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है, उससे भी आप मेरे चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था कि गूगल ने 2 NBFC को रिमूव कर दिया, आप पहले की पूरा वीडियो देख लेना, मैंने इसमें क्या कहा था, मैंने इस वीडियो में साफ कहा था, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साफ साफ मैंने बोला था कि भैया ये सिर्फ ड्रामा है गूगल का, चूतियाबा बना रही है, प्ले स्टोर से हटी है, ये फिर से वापस आएंगी, चाहे किसी भी तरह से आएंगी जरूर, चाहे नाम बदल के आए कुछ भी करें। और आप देखो आपके सामने डोजलीज और आर्केड दोनों ही प्ले स्टोर पे आ चुकी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं और गूगल प्ले स्टोर पे जाके कि वाकई में आई है कि नहीं आई है, और आप भी खुद पे और आप खुद भी अपने प्ले स्टोर में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूं डोजलीज, डोजलीज ऑन ऐप, तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से काम कर रही है, पूरा वर्क कर रही है, देखो अवॉर्ड विज़ा पूरा खुल के आ रहा है, पहले ये नहीं काम कर रही थी जब मैंने वो अभी आपको मैंने एक थंबनेल दिखाया वो वाला वीडियो जो मैंने पहले बनाया था गूगल रिमूव 2 NBFC करके, उसमें देखोगे तो उसमें मैंने दोनों ऐप को सर्च किया था प्ले स्टोर पे, भैया नहीं दिख रही थी, मैंने बकाया था उसमें इसकी रिकॉर्डिंग दिखाई है। अब मैं दिखाता हूँ आर्केड, आ लिखूंगा, देखो आर्केड, ये देखो आर्केड, देखो ये भी अच्छे से काम कर रही है 1 मिलियन प्लस डाउनलोड से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिर ये वापस कैसे आ गई, मैंने क्या कहा, भैया इनको RBI ने लाइसेंस दिया हुआ है, हम अभी तक कहने फर्जी समझ रहे थे और ये प्ले स्टोर से हट भी गई थी क्योंकि फर्जी थी, लेकिन ये फर्जी नहीं है, ये RBI लाइसेंस प्राप्त है। अब मैं इनका आपको लाइसेंस दिखाता हूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिर लाइसेंस आपको मिला कहां से, लाइसेंस आपको भी चुटकियों में मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा RBI से कोई लेना देना है या इन कंपनी से मेरा लेना देना, उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिया या मेरे कोई जासूस है, अरे भाई आप भी खुद से निकाल सकते हो, 2 मिनट का खेल है, कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनके लाइसेंस दिखा देता हूं कि जो ओरिजिनल इनके लाइसेंस है वो कौन से हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहां स्क्रीन पे देख पा रहे हो डोजलीज का ये वो लाइसेंस है जो RBI ने इनको दिया, जिसकी वजह से ये प्ले स्टोर पे वापस आ गई। अब ये लाइसेंस आपको ही मिल सकता है, बहुत ही आसानी से चुटकियों में मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे RBI में जुगाड़ है, मेरे फूफा बैठे हैं, मेरे वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत बढ़िया है मेरी, जो भी है ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं, आप भी निकाल सकते हो, बहुत सरल है। कैसे निकलेगा देखिए, ये लेसन देख लेते हैं, डोजलीज लिख के आ रहा है साफ साफ, यहाँ पे आप देखते हैं डोजलीज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड लिख के आ रहा है,
यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ, लैचस नंबर MUM लिखा हुआ है 134। यहाँ पे कुछ धाराएं या कुछ नियम, कानूनी नियम लिखे हुए हैं, वो पढ़ के बता रहा हूँ आपको समझ में आए। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 एक्ट के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डोलिस एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को एडर द्वारा अप्रैल 28/2017 के कार्यालय पत्र VVALLB यानी क्या क्या लिखा हुआ 12/81 पूरा 16/3/17 ये तो कुछ नंबर लिखे हुए हैं। उल्लेखित नियमों और शर्तों के अधीन भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे डोलिस को लाइसेंस प्रदान किया गया, वही चीज नीचे इंग्लिश में लिखी है जो कि मैंने ऊपर हिंदी वाली पढ़ के बताई है। अब यहाँ पे कुछ बैंक अधिकारी हैं, जो अधिकारी होते हैं वहां पे इनके साइन वगैरह है। भारतीय रिजर्व बैंक का यहाँ पे पूरा का एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की मोहर भी लगी है, कोने पे आप देख पा रहे होगे नीचे कोने पे भारतीय रिजर्व बैंक की मोहर लगी है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बाकी में लाइसेंस है, इसका मतलब ये जो डोज दी जाए एकदम RBI रजिस्टर्ड है, ये एकदम NBFC अप्रूव्ड है, मतलब कि ये नंबर एक की ऐप है, ये कोई भी फर्जी ऐप फ्रॉड ऐप नहीं है। अब मैं आपको बता दूं ये टोटली फ्रॉड लाइसेंस है, कोई भी ये लाइसेंस नहीं है। इतना आसानी से कोई भी कंपनी अपना लाइसेंस दे थमा दी, क्या आप अपने गाड़ी का लाइसेंस किसी को भी ऐसे थमा दोगे? बताओ थमा दोगे? नहीं थमाओगे ना। तो इसी तरह से कोई भी कंपनी का लाइसेंस होगा वो आपको दिखाती नहीं फिरेगी, ना ऐसी किसी को बांट देगी, ना ही रिजर्व बैंक आपको दे देगा ऐसी। ये कोई पॉलिसी होती है, इतनी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, ऐसे हर किसी को प्रोवाइड नहीं की जाती है। कोई सब्जी मंडी नहीं है जहां गए सब्जी की तरह उठा लाए। तो ये जो लाइसेंस है टोटल फर्जी है। अब आपको बताऊं कैसे फर्जी है, अब मैं आपको बताता हूं उसका प्रोसेस, ये कैसे फर्जी है। इसी तरह का मैं आपको एक लेसन और दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पे आपको दिखा दूं, सेम टू सेम वही है, सब कुछ मोहर लगी है, साइन नीचे अधिकारियों का सब कुछ है, बस यहां पे एक बैंक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, नीचे इंग्लिश में लिखा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो अब ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि हाँ वाकई में यार ये लाइसेंस दोनों एक ही, बस यहाँ पे जो है बैंक के और NBFC के नाम चेंज कर दिए गए। देखो यहाँ पे ये बैंक का नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और यहाँ पे देखिए ये डोलिस एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अब इसको कैसे सर्च करना है, कैसे निकालना है, गूगल महाराष्ट्र से आपको सब कुछ मिलने वाला है। गूगल से निकाल के एडिट किया गया है और लोगों को चूतिया बनाया गया है कि डोजलिस एक रजिस्टर्ड कंपनी है, डोजलिस लाइसेंस प्राप्त RBI से, ऐसा है वैसा है। ठीक है, चलिए मैं आपको क्या गूगल पे दिखा देता हूँ कैसे आपको सर्च करना है, कैसे निकालना है, सेम टू सेम ही लाइसेंस निकल के आने वाला है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक तो आपको याद रहेगा, यहाँ पे नीचे दिया लाइसेंस नंबर MUM 134, इसी से हम सर्च करेंगे, इसी से ही यहाँ पे जो इस तरह के काफी सारे लाइसेंस निकल के आ जाएंगे। देखिए अब मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्च किया हुआ है RBI लाइसेंस MUM 134। तो आप एक काम करेगा, आप ये पहले वाले पे क्लिक कर देना, ये भी RBI कुछ निकल के आया, हमें इससे मतलब नहीं है। आप सबसे नीचे आएंगे फिर सीमोर पे क्लिक कर देना, यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक कर देना, देखो सेम टू सेम निकल के आ गया भारतीय रिजर्व बैंक MUM, यहाँ पे कोई ये 125 लिख के आ रहा है, कोई 134 आ रहा था, इसमें 125 आ रहा है, बाद इसमें लिख के आ रहा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सब कुछ वही है, सेम टू सेम, कोई भी चीज नहीं बदली गई है, मोहर भी वही है, अधिकारी वही है, साइन भी वही है, मुंबई का एड्रेस पड़ा है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे बैंक का नाम चेंज हो गया है। डोजलिस का था, फिर मैंने आपको जना स्मॉल बैंक का दिखाया, अब मैंने आपको गूगल पर ही सर्च करके दिखाया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, मतलब कि इन्होंने क्या किया, गूगल से ये एक लेसन उठाया, यहाँ पे जो है ये जो बैंक का नाम लिखा है इसको एडिट करके अपने डोजलिस का नाम लिख के लोगों को चिपका दिया, जो कस्टमर्स है उनको दिखा दिया कि हम भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त है। ये है इस तरह से लोगों को चूतिया बना रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दो, सिर्फ आप ही को चूतिया बना रहे, गूगल को चूतिया बना रहे। अगर गूगल को ये भेजते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार चलो मान लिया कि ये इन्होंने एडिट किया है, तो गूगल पे ये फर्जी अब कैसे आ गए, इसका मतलब इन्होंने ये लाइसेंस गूगल को दिया होगा, गूगल को भी चूतिया बनाया होगा? नहीं, गूगल को चूतिया नहीं बनाया, गूगल इतना कोई पागल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो ये डोजलिस है ना, इन्होंने तो ये लाइसेंस बना के एडिट करके आपको तो चूतिया ना दिया, गूगल पे ये इसलिए टिकी हुई है क्योंकि गूगल पे ये किसी ना किसी NBFC से इन्होंने अपना मान्यता ले रखा है और उसका ओरिजिनल लाइसेंस इन्होंने गूगल पे लगा रखा है, वो बात इन्होंने ओपन नहीं कर रखी है। गूगल चूतिया नहीं है, गूगल पूरा वेरीफाई करता है, अगर ये लाइसेंस लगाया होता ये फर्जी वाला, ये जो यहाँ पे एडिट किया हुआ है, तो गूगल RBI को भेजेगा, RBI से चेक करेगा। इतना बड़ा पागल नहीं है गूगल, ऐसा तो कोई भी, ऐसा तो मैं भी अपनी एप्लीकेशन लूं इस तरह से, एक मुझे यहाँ पे फॉर्मेट मिली गया, यहाँ पे अपनी बैंक का या अपनी NBFC का नाम डाल के गूगल में रजिस्टर्ड कर दूं, गूगल पे मेरी ऐप चलने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। गूगल को अगर आप फर्जी लाइसेंस भेजोगे ना, पूरा चेक करता है लाइसेंस नंबर से कि ये आपके यहाँ रजिस्टर्ड है या नहीं है, RBI कहेगा हाँ है, तभी गूगल प्ले स्टोर पर टिकट देगा उस ऐप को। तो यहाँ पे जो डोजिस है या आकडेट है, उन्होंने जो है कुछ ऐसी NBFC का लाइसेंस दे रखा है जो पूरी तरह से
इन चाइनीज ऐप्स का साथ दे रही है, और उन एनबीएफसी के नाम आपने कभी जिंदगी में नहीं सुने होंगे। वो एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड है और उनका लाइसेंस लेके अपने आप को प्ले स्टोर पे जो है दिखा रखा है, और ये प्ले स्टोर से अभी हट गई थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जुगाड़ सुगाड़ करके जो एनबीएफसी उनसे फिर से लाइसेंस लिया, उसको वेरीफाई कराया और ये फिर से प्ले स्टोर पे आ गई है। ठीक है ना, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि गूगल को भी चूती ना दिया, ऐसा नहीं होता है, गूगल को चूती ना इतना आसान नहीं है। हाँ, गूगल को अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो अब वो असली है तो गूगल तो उसी को असली मानेगा ना। तो यहाँ पे डोज ली ने आग रेट ने उन एनबीएफसी के ओरिजिनल लाइसेंस उठा के दे दिए जो भारतीय रिजर्व बैंक ने उनको दिए थे। अब यहाँ पे गूगल को लग रहा है कि हाँ भैया ये तो जेन्युइन है यार, क्योंकि इनके पास लाइसेंस है, तो गूगल इसलिए उनको अपने प्ले स्टोर में उनको टिकाया हुआ इसलिए रखा हुआ है, वरना तक का ये हट नहीं होती यार। गूगल इतना पागल नहीं है, इन फर्जी लाइसेंस पे जो ये लाइसेंस है फर्जी वाले, इनको एडिट करके आप लगा दोगे गूगल यकीन मानेगा? गूगल इतना आसान नहीं, बहुत टिपिकल चीजें हैं, आरबीआई से पूरा एक एक चीज को वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर कर दूं, डोजेज और आर्क्रेडिट टोटल फर्जी है, अभी भी फर्जी, और प्ले स्टोर पे किसने टिकी ये भी मैंने क्लियर कर दिया, उन्होंने दूसरी एनबीएफसी के लाइसेंस को लिया है, प्ले स्टोर पे चढ़ा रखा है, गूगल को दिखा रखा है, गूगल ने जब वेरीफाई कराया होगा तो भैया ओरिजिनल ही निकल के आया होगा, क्योंकि कुछ ऐसी एनबीएफसी हैं जो आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं, तो जब गूगल ने उन एनबीएफसी का जो लाइसेंस आरबीआई को भेजा होगा तो वो ओरिजिनल निकल के आया होगा, क्योंकि भैया वो जो एनबीएफसी इनके पीछे काम कर रही है वो एकदम ओरिजिनल है। एक कुछ पवन फनवेस्ट करके है, एक डोज लीज है, उसने भी किसी एनबीएफसी का सारा ले रखा है लेकिन खुलासा नहीं किया, तो इस तरह की चीजें चल रही हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये लाइसेंस आप भी इस तरह से निकाल सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। ये आप लोगों को चूती बनाने के लिए, डोज लीज से जिसने भी लोन लिया है उसको ये लाइसेंस भेजा गया है कि भैया हम आरबीआई रजिस्टर्ड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, और जो मैं इस वीडियो की बात कर रहा था ना, जिस वीडियो को लेकर माफी मांग रहा था, इसका भी सच्चाई सुन लो, इस वीडियो में मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि भैया ये फिर से आएंगी, वापस आएंगी, और वही हुआ। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, वीडियो मेरा उठा के देख लेना, ये गूगल रिमूव्ड टू एनबीएफसी इन प्ले स्टोर करके, मैंने इसमें साफ साफ बोला था, पहले सबूत दिखाया, देखो भैया प्ले स्टोर से गायब हो गए, फिर मैंने ये भी क्लियर किया कि भैया ये वापस आएंगी, चाहे नाम बदल के आए कैसी भी, और ये आ गए। इन्होंने ये लाइसेंस लिया, पहले ग्राहकों को चूतिया बनाया कि हम आरबीआई से रजिस्टर्ड है, और गूगल पे भी अपने आप को क्या कहते हैं लेके आ गई है उन एनबीएफसी की मदद से, जो एनबीएफसी इनका साथ दे रही है, जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है, कि भैया वो एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड, उनके लाइसेंस होगा, उन्होंने अपना लाइसेंस जो है इन एप्स को दिया, इन एप्स ने अपने लाइसेंस जो है गूगल को भेजा, गूगल ने आरबीआई को भेजा, वेरीफाई हो गया और प्ले स्टोर पर काम कर रही है। इसी तरह से तो काम कर रही है, बहुत सारी छोटी छोटी एनबीएफसी ऐसी है जो आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त है और उन्होंने अपना लाइसेंस दे दिया है, और इसीलिए प्ले स्टोर पर ये एप्स फर्जी वाली टिकी हुई है। वरना यार ये ऐसे तो एडिट करके मैं भी अपनी ऐप बनाऊंगा फर्जी और टिका लूंगा, ऐसा नहीं है गूगल को चूतिया तो कहां, आप तो चूतिया बन गए होगे क्योंकि लाइसेंस देखने में लगी ओरिजिनल लाए, और जबकि इस तरह का लाइसेंस होता भी नहीं है, आपको पहले क्लियर कर दूं। तो उम्मीद है पूरी बात समझ रहे होगे, डोज लीज और आर्क क्रेडिट जो है टोटल फर्जी ऐप है, चाहे कितने आपको ये दावे करने रजिस्टर्ड होने के, और ये प्ले स्टोर पे क्यों टिके, कैसे टिके, ये भी मैंने क्लियर कर दिया, और ये जो ये लाइसेंस है ये एकदम फर्जी है, इसको एडिट किया गया है, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा। अगर आप डोज लीज के इस लाइसेंस को जूम करेंगे ना तो साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने अलग से इसको एडिट किया हुआ है, इसके और इसके फॉन्ट में काफी अंतर दिख रहा है, देखो इंग्लिश वाला भी देख लो, तो थोड़ा सा अगर आप सही देखोगे तो इसका आई थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ये हटाने की कोशिश की होगी तो हल्का हल्का वो भी मिट गया है, लेकिन पूरी तरह से अगर पकड़ना चाहोगे तो पकड़ में आ जाएगा। कुल मिलाकर ये टोटल फर्जी लाइसेंस है। तो दोस्तों उम्मीद है पूरी बात समझ गए होगे कि आखिर पूरा माजरा क्या, ये प्ले स्टोर पे कैसे वापस आ गई, मेरी क्या गलती थी, मेरी कोई गलती थी, मैंने वो सही वीडियो बनाया था, ये तरह की एक्टिंग थी, आपको पता लगे कि आखिर सच्चाई क्या है। उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कितनी गद्दार एनबीएफसी है जो इस डोज लीज आर्केड को प्ले स्टोर पे फिर से वापस लेके आ गई है, और यहाँ पे आपको अपने आप को लाइसेंस बोलती है कि आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको लोन की आवश्यकता है थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अगर जरूरत हो तो ही लेना, वरना हर किसी के लिए नहीं है, जिनको इमरजेंसी वो ही लें, तो मेरे लिंक से लें, मेरे लिंक से आप टू बैलेंस की ऐप को डाउनलोड करें, ऐप का नाम टू बैलेंस है, वहां पे आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के 1000 से लेके 15000 तक का लोन मिल जाएगा बिना किसी इनकम प्रूफ के। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, मेरे लिंक से लोगे तो लोन मिलने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, नोटिस की घर पे एजेंट आ रहे हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक करने की धमकी दी जा रही है, एजेंट घर पे आके काली ग्लव्स कर रहे हैं, पुलिस की धमकी दी जा रही है, कोर्ट का नोटिस आ गया या वकील नोटिस भेजा, कुछ भी, तो आप मुझे संपर्क करें, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, या कमेंट करें, आपकी पूरी हेल्प जाएगी। तो दोस्तों आपको पूरी सच्चाई मालूम पड़ गई कि डोज लीज और क्रेडिट की यहाँ पे ये टोटल फर्जी है, आधी फर्जी है, कितने भी दावे कर लें हमेशा फर्जी रहेंगे, आपको इसका रिफंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।